Ladies and gentlemen, to join the Prime Minister in conversation, please welcome to the stage the founder, chairman, and co-chief investment officer of Bridgewater Associates, Mr. Ray Dalio. Well, let's just jump right into it. In our 15 minutes, which is way too short, I'd like to divide it in half and get your perspective of the world as a whole, and then focus on the other half of your perspective of India so that we can learn more about it. But before I do, rather than knowing what you think, I'd like to a little bit focus on how you think. We were talking before about meditation. We both meditate. And it has an effect on how you think, I think. So I wonder whether you could share some thoughts about how you think and how that pertains to looking at the world. आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। ये बात सही है कि मनुष्य के जीवन की यात्रा हो या समष्टि की यात्रा हो, डगर डगर पर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत स्वाभाविक होते हैं। और तब हमने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म विकसित करना चाहिए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं और आप भी रेगुलर मेडिटेशन से जुड़े हुए व्यक्ति होने के नाते हम लोग भली भांति जानते हैं कि विचारों में बैलेंस, जीवन में बैलेंस, दुनिया को देखने की सम्यक दृष्टि, इन सब में मेडिटेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब आप डिटेच होकर के स्थितियों को देखते हैं, तब आप संतुलित सोच और एक प्रकार से उपयोगी निर्णय की दिशा में जा सकते हैं। इस सारी प्रक्रिया में जो लोग रेगुलर मेडिटेशन की दुनिया से जुड़े हैं, वे अपने भीतर इस प्रकार की एक एनर्जी को अनुभव करते हैं। और इसलिए आपने सही कहा कि मेडिटेशन का अपना एक महत्व है, लेकिन जहां तक विश्व की परिस्थिति का सवाल है, हम देख रहे हैं कि शांति की चर्चा शायद सबसे अधिक इसी शताब्दी में और पिछली शताब्दी में हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी इस शताब्दी और पिछली शताब्दी में हुए हैं। और उसका कारण होलियर देन दाउ सुपेरियरिटी का विचार, एक प्रकार से सहजीवन के अस्तित्व का अस्वीकार और सबको मिलकर के ग्रो करना चाहिए, इस सोच का अभाव का परिणाम है कि हमने अपने आप को संघर्षों में खपा दिया और हमारी विकास का रास्ता भी एक प्रकार से विजय प्राप्त करना के इरादे का रहा, दूसरे को नीचा करने का रहा। और इस सारी स्थितियों में से ये कॉन्फ्लिक्ट को जन्म हुआ है। मैं समझता हूं कि विश्व में सम्यक सोच के साथ आगे बढ़ना इस परिस्थितियों का रास्ता निकाल सकता है। Meditation tends to bring one above circumstances and then look down on them. I wonder if we could talk about the world from the perspective of five major issues. It seems to me that in the world, particularly in the developed world, there's a great deal of conflict. You talked about that, the rich and the poor, the capitalists and the socialists, those different values. So conflict, and as it affects capitalism, as it affects the way we are with each other, there's one dimension. Second dimension is the international changing of the world order.
the rise of powers, India, China, and others, and the associated conflicts with those. The third is an reduced effectiveness of reserve currency countries to be able to ease their monetary policy, so there's not as much stimulation. The fourth that you touch on is climate, and the fifth is technology. I want to leave that open to you to describe what you think the emerging world order will be like in light of those things, and feel free to touch on any of them if you like. आपके पास सही है, एक समय था जब बाइपोलर वर्ल्ड था, और बाइपोलर वर्ल्ड होने के कारण दुनिया में कोई न कोई देश किसी न किसी खेमे में था, और इसलिए सिचुएशन को समझना भी एक परंपरा बन गई थी. आज विश्व बदल चुका है, आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, आज दुनिया का हर देश इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, और उसमें हर एक की अपनी आवश्यकताएं भी कारण है और टेक्नोलॉजी भी रोल कर रही है. और ऐसी स्थिति में आज से 3-4 दशक पहले जिस प्रकार से दुनिया को देखा जाता था, वो काल बीत चुका है. हमने अपनी सोच बदलनी पड़ेगी. आज विश्व के छोटे से छोटे देश का महत्व बढ़ रहा है, हर एक की कहीं न कहीं उपयोगिता हो रही है, और इसलिए हमने इस मल्टीपोलर वर्ल्ड को और अधिक स्ट्रेंथन करने की दिशा में, अपनी विचारधारा कोई भी हो सकती है, सोशलिस्ट हो सकते हैं, कैपिटलिस्ट हो सकती है, विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली हमने मानव जात के कल्याण के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस दिशा में सोचना चाहिए. एक जमाना था जब ताकत की पहचान विस्तारवाद से जुड़ी थी. कितने भूभाग को आप कब्जे करके बैठे हैं, कितने भूभाग को कब्जा करने की आपकी ताकत है, उस विस्तारवाद के आधार पर दुनिया में ताकत देखी जाती थी. वो युग समाप्त हो चुका है. आज विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का महत्व बढ़ रहा है. आप विकास में कैसी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, आप कौन से नए इनोवेशन कर रहे हैं, आप आपके लोगों की सामान्य जिंदगी में क्या बदलाव ला रहे हैं, आपके यहां बदलती हुई टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, आप वर्टिकली किस प्रकार से आपके अपने क्षेत्र को ऊपर ले जा रहे हो, दुनिया में उसकी स्वीकृति बनने वाली है. और इसलिए हेल्दी कंपटीशन, हम विकासवाद की तरफ चलें, वर्टिकल ग्रो करने की दिशा में चलें, और हम वर्टिकल ग्रो करेंगे तो उसका लाइट जो अनडेवलप्ड लोग हैं उन तक भी पहुंचाने की सरलता बढ़ेगी, और इसलिए उस दिशा में काम करना होगा. दूसरी तरफ है, विश्व ने पिछले 2 या 3 शताब्दी में जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन की गति देखी है, उससे आज टेक्नोलॉजी के परिवर्तन की गति हजारों गुना ज्यादा है. उस समय टेक्नोलॉजी का क्षेत्र डगर डगर थोड़ा बहुत, आज जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ना हो. और इसलिए हमने हमारी नई पीढ़ी को इनोवेशन के लिए मानवीय संवेदनाओं के साथ, हमें रोबोट तैयार नहीं करने हैं, हमें इंसान, जिंदा इंसान तैयार करने हैं. दुनिया के सामने संवेदना और टेक्नोलॉजी, ह्यूमन वैल्यूज, इसका बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी, और मैं समझता हूं कि विश्व ने उस बातों की ओर ध्यान देना होगा. While you describe what we must do, I wonder whether your thoughts about whether we will do it and how we have to approach that. So when we say we, it's each individual. So let's look at some of the, we have a trade conflict, we have a technology conflict, we have a capital and currency conflicts going on, and we have geopolitical conflicts going on. We don't have a world organization or a world rule book. I have to be a pragmatist, and you have to be a pragmatist. How will we work together?
How will that play out in your mind? आपने बहुत सटीक शब्दों में वर्तमान के युद्ध के रूप का वर्णन किया है. जैसे ये युद्ध के प्रकार विकसित हुए हैं, उसी प्रकार से उसके क्षेत्र भी विकसित हुए हैं. जल भी युद्ध का कारण बन रहा है, थल भी युद्ध का कारण बन रहा है, नभ भी युद्ध का कारण बन रहा है और स्पेस भी युद्ध का कारण बन रहा है. यानी एक नए मैदान हम युद्ध के लिए खोदते चले जा रहे हैं. यह मनुष्य की दुर्बलता की निशानी है. ये बात सही है कि जब यूएन का जन्म हुआ, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन विकसित होगी जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में कैटलिक एजेंट का रोल करेगी. लेकिन दुर्भाग्य से यूएन एज ए इंस्टीट्यूशन जो डेवलप होना चाहिए वो हम लोग नहीं कर पाए. जब 70 साल हुए तब लग रहा था शायद यूएन में रिफॉर्म्स होंगे, बदलाव आएगा, नहीं हो पाया. अब यूएन 75 होने वाले हैं. मैं चाहूंगा कि दुनिया की सारी समझदार शक्तियां इकट्ठे होकर के 21वीं सदी में यूएन का रूप कैसा हो, नॉर्म्स क्या हो, उन नॉर्म को मानने की दुनिया की जिम्मेवारी क्या हो, उस दिशा में हम चले. हम सिर्फ कोई एपिडेमिक हो जाए, कहीं नेचुरल कैलेमिटी हो जाए और यूएन लीड कर लें, उतने ही मात्र से अगर संतोष मानेंगे तो दुनिया को एक रखना, दुनिया को दिशा देने के लिए स्थिति नहीं बनेगी. दूसरा दुर्भाग्य हुआ कि ताकतवर लोगों ने यूएन इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप हो उसके बजाय यूएन एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम आए, उस रास्ता पकड़ा, जिसके कारण यूएन का भी एक न्यूट्रल ग्लोबल रूल बेस्ड व्यवस्था के लिए कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो नहीं हो पाया. तब जाकर के मुझे लगता है आज दुनिया में संकट कहां से शुरू होता है. कुछ लोग हैं वो अपने आप को इतना बड़ा मानने लगे हैं, कोई कानून मानने को तैयार नहीं है. और कुछ लोग हैं जो कानून के बोझ में दबे हुए हैं. अगर विश्व को चलाना है तो हमें कुछ न कुछ नियमों को, कानूनों का पालन करना. ये पूरा ब्रह्मांड भी इसलिए चल रहा है कि ब्रह्मांड के हर इकाई ने, सूर्य ने अपने नियमों का पालन किया है, चंद्र ने अपने नियमों का पालन किया है, पृथ्वी ने अपने नियमों का पालन किया है और कोई नियम नहीं तोड़ता है और उसी के कारण विश्व चल रहा है. तो दुनिया के देशों ने भी वैश्विक नियमों का पालन करना ही होगा और हमने हर प्रकार से नियमों का उल्लंघन के प्रति विश्व को एक होकर के चलना चाहिए. तब जाकर के ऐसी शक्तियों को आइसोलेट कर सकते हैं और उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर सकते हैं. That's one of the reasons I started with the topic of meditation, to rise above it and hopefully deal with the common good and the capacity to do that. I hope your musts get accomplished. Turning to India, one of the things I think that you've done, well, you've done many remarkable things, but one of them is to represent all of the people in India, or the vast majority. You're not representing the poor or the rich. You are not representing one faction in relationship to another. You've drawn the country together. You've made tremendous accomplishments. You've brought something like 500 million toilets, and you've brought water, and you will bring water to all of those people. And you are changing their well-being in a united way, so you don't seem to encounter the same political challenges that a lot of leaders face. You seem to have brought it together, and you're creating an economy that is making a great deal of progress for all of the people in a broader way. I'd like to get your sense of what is it like to be in your shoes. मेरा बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार का भी नहीं रहा है. मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आया हूं. मुझे किताबों से मैंने गरीबी नहीं पढ़ी है, मैं गरीबी में जी करके आया हूं. मैंने जिंदगी गरीबी में बिताई है. रेल प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते बेचते मैं आज यहां पहुंचा हूं और इसलिए मेरे दिल में वो दर्द होना बहुत स्वाभाविक है.
कि मैं मेरा मेरा शक्ति मेरा समय मेरी स्थिति इन लोगों के लिए काम आया। मैं खुशी है कि पिछले कुछ ही वर्षों में आज दुनिया में तेज गति से गरीबी को खत्म करने में भारत सफल हुआ है। मेरा गरीबी के खिलाफ लड़ाई का रास्ता है गरीबों को एम्पावर करना, गरीबों को ताकतवर बनाना, वो खुद गरीबी को खत्म करने के लिए आगे आ जाएंगे। और इसलिए मैं जिन स्कीम को चलाता हूं वो सारी चीजें। दूसरी बात है गरीब को डिग्निटी चाहिए। जब मैं टॉयलेट देता हूं तब एक व्यवस्था नहीं देता हूं, मैं डिग्निटी देता हूं। जब मैं एक गरीब को बैंक अकाउंट खोलता हूं तो बैंक में कितने पैसे महत्व नहीं है, जब उसका बैंक खाता खुलता है उसकी डिग्निटी होती है कि एक अमीर बैंक में जाता है, मैं गरीब हूं फुटपाथ पर रहता हूं मैं भी बैंक में जाऊंगा। ये जो एम्पावरमेंट है ये डिग्निटी है वो उसके जीवन की सोच को बदल देती है। और मैंने उसको टारगेट किया है और मेरे देश में उसमें सफलता मिली है। और मेरे भीतर का जो संतोष ये है कि जब गरीब बोलता है कि मैं गरीबी को खत्म करूंगा उससे बड़ा जीवन का कोई संतोष नहीं हो सकता है। और इसलिए मैंने जो अपने काम को हाथ में ले लिया है, मैं सत्तावादी स्वभाव का नहीं हूं और न सत्तावाद में को मैं स्वीकार नहीं करता हूं, मैं सेवा भाव को स्वीकार करता हूं। इसलिए आप कहीं पर भी बैठे हैं सेवा मूल तत्व होना चाहिए। और मेरी कोशिश ये रहती है और बड़ों के आशीर्वाद से मेरी कोशिश रहती है कि सेवा भाव को लेकर के ही हम अपने पोजीशन का उपयोग करें, लोगों के काम आए, बहुत तेजी से बदलाव। और सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान में जब बदलाव आता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, वो दुनिया के सारे रैंकिंग बदल देता है। जब मैं टॉयलेट बनाता हूं, ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी खड़ी होती है तो विश्व के सारे आंकड़े बदल जाते हैं। मैं अगर गरीबी मेरे देश में दूर करता हूं तो विश्व के गरीबी के आंकड़े बदल जाते हैं। यानी भारत का बदलाव वो विश्व के बदलाव का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो मन को एक संतोष होता है कि मुझे जो काम मिला है मेरे देश का, लेकिन मैं दुनिया को बदल रहा हूं। जैसे दुनिया ने तय किया है 2030 तक टीबी से मुक्त होना, हमने तय किया है 2025 तक हो जाएंगे। अगर हम 2025 तक टीबी से मुक्त हो जाते हैं तो दुनिया को 2030 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है दुनिया 2028 तक हो जाए। यानी भारत का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल गुड्स के लिए, दुनिया की भलाई के लिए बहुत बड़ा रोल करेगा, इसका एक बहुत बड़ा गहरा संतोष मैं अनुभव करता हूं। One more question because we're out of time. Your combination of human capital and technology is very interesting. In much of the world, technology is replacing jobs, and it puts the wealth gap, it increases the wealth gap. I'd like your thoughts on combining your human capital and raising the capacity of human capital and with technology and using that as a combination to raise India. बहुत सही सवाल पूछा आपने और बड़ी सटीक बात है। भारत बहुत भाग्यवान देश है कि आज हमारे पास 65 पॉपुलेशन वो है जिसकी उम्र 35 से कम है। स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो भी आवश्यक है, लेकिन एट द सेम टाइम दुनिया को भी ह्यूमन रिसोर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ह्यूमन रिसोर्स क्या ताकत पैदा करता है, मैं जब सऊदी अरेबिया के हिज मैजेस्टी किंग को मिलता हूं तो वो बड़े गर्व से मुझे कहते हैं कि देख भाई मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। और क्यों प्यार करता हूं तुझे मालूम है, क्योंकि मुझे बचपन में हिंदुस्तान के टीचर ने पढ़ाया था। यानी भारत का जो ह्यूमन कैपिटल था वो सऊदी अरेबिया के किंग को बचपन में पढ़ाता था। कितनी बड़ी ताकत है, कितना सही उपयोग है। मैं समझता हूं हमने इसी सोच के साथ, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है तो ह्यूमन कैपिटल और रिसोर्स है तो और रिसोर्स,
ये लार्जर गुड के लिए उपयोग करना चाहिए, लेकिन समय के अनुकूल उसमें बदलाव लाना चाहिए, अपग्रेडेशन करना चाहिए, और हो सके तो समय से पहले करना चाहिए। अगर स्पेस दुनिया की बहुत बड़ी सामर्थ्य वाला एक क्षेत्र बनने वाला है, तो मुझे स्पेस को वो डेवलप करना है। जैसे आप जानते हैं कि भारत का स्पेस प्रोग्राम और दुनिया के स्पेस प्रोग्राम में कितना बड़ा फर्क है। भारत मून पे जाता है, उसका खर्चा हॉलीवुड की फिल्म से कम होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे ह्यूमन रिसोर्स की ताकत एक हॉलीवुड की फिल्म बनाने में जितना खर्चा होता है, उससे कम खर्चे में मेरी मून पर जाने की ताकत, इसका मतलब कि मेरे यहां ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी जो है उसको एक नया ताकत दिया है। और इसलिए हम दुनिया के संसाधनों का मिनिमम उपयोग हो, दुनिया की क्षमता पर जरा भी बोझ न पड़े, उस प्रकार का मैन पावर तैयार करना चाहिए, और समय से थोड़ा आगे सोचना देखने वाला मैन पावर तैयार करना चाहिए, टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्पिरिट वाला तैयार करना चाहिए। और दुनिया के मानव को जो आजकल मैं एक काम कर रहा हूं, दुनिया के कई यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ हमारे देश के बच्चों का मैं हैकेथॉन करवाता हूं, क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड ग्लोबल अपकमिंग लीडरशिप के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से दुनिया में जहां जहां स्टार्टअप्स के प्रयोग हो रहे हैं, उस स्टार्टअप वाले बच्चों को मेरे देश के स्टार्टअप वाले बच्चों के साथ मैं ज्वाइंट प्रोग्राम करवाता हूं, ताकि दुनिया की जो मानव शक्ति है उसमें जो टैलेंट पड़ी है उसको स्टूडेंट कार्य में ही जोड़ने का काम करना चाहिए। तो बहुत छोटे मात्रा में क्यों ना हो, लेकिन उसको मैं बल दे रहा हूं। मैं समझता हूं ये अप्रोच एक ताकत के रूप में उभरेगा जो दुनिया में बदलाव का कारण बनेगा। Well, thank you for your perspective and also thank you for what you're doing. Thank you. Ladies and gentlemen, this concludes today's session. Please join us tomorrow at 9 a.m. in the King Abdullah.